के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि बगैर काल भैरव की इजाजत के बगैर कोई भी काशी में ठहर नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में काल भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे और काल भैरव मंदिर में क्या कुछ खास तैयारियां हैं इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं काशी के कोतवाल की चौखट पर मौजूद हूं, बाबा काल भैरव की चौखट पर मौजूद हूं। किस तरीके से यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत परिवार से आचार्य सुमित उपाध्याय जी हैं। सुमित जी, किस तरीके से गुरुजी पूजा की जाएगी, क्या क्या खास होता है और काल भैरव से इजाजत हर कोई क्यों लेता है काशी में आकर? प्रधानमंत्री ने 2014 में भी इजाजत ली, 2019 में भी चुनाव, ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ जो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बाबा काशी कोतवाल साहब हैं और यहाँ पर जो भी पहले आला अधिकारी आता है या कोई नेता आता है तो पहले सबसे पहले यहाँ माथा टेकता है। ऐसी इनकी महत्व जो है सालों साल चली आ रही है और हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाए कि राजा की कोई पावर नहीं होती, पावर होती मंत्री की। तो ये यहाँ के मंत्री भी है, राजा विश्वनाथ भले हैं लेकिन रानी अन्नपूर्णा मंत्री, ये काल भैरव है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो भी लिखा चुका होता है वो मंत्रियों के पास होती है। जी जी, तो किस तरीके की पूजा उस दिन खास तरीके से पूजा होगी? देखिए, हम लोग पांच परिवार जो है मंदिर से, पांच भाई लोग जो है मंदिर से परिवार के लोग, ये लोग जो मोदी जी की जो है इस तरह विशेष तैयारियाँ क्या की गई है क्योंकि विश्व भर में जो हमारे मोदी जी को लोगों की दृष्टि लगी हुई, जो भी बाधाएं लगी हुई, तो हम लोग जो मोदी जी जो आएंगे तो पहले 11 या 21 बटुकों से जो उनकी स्वागत किया जाएगा, स्वागत आगमन के बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पे उनको लेके आएंगे। उनके ऊपर जो है छायादान, यहाँ भीम में छायादान तेल की, मतलब तेल की, यहाँ सरसों के तेल की छायादान होती है। तो उनको जो प्रधानमंत्री जी का ऐसे अपने चेहरा दिखाया जाएगा कि उस भीम में देखें और उसके बाद देखने के बाद जो उनको साजबा उतार के वो बाबा की वो खपड़ा है खपड़ देखिए देखिए, ये तेल का कुछ इसी तरीके से होगा, ये जो मदिरा की, ये जो मदिरा का है, तो ये देखिए जहाँ जब तेल उतर जाएगा तो यहाँ पर इस दीपक के अंदर इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि शारीरिक में जो भी जो कष्ट व्याधा होता है, अखंड ज्योति है, देखिए अखंड ज्योति है जी। बाबा काल भैरव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम लोग नजर उतारेंगे ताकि उनके ऊपर जो भी लोग अपनी खूब दृष्टि और बाधा की तरफ देख रहे हैं और उनकी जो अपनी इच्छा है एक भारतवर्ष को जो श्रेष्ठ बनाने के विश्व गुरु बनाने के लिए, उसके लिए हम लोग पूजा अर्चन। तो बिल्कुल तेल का उतारा होगा, उसके बाद क्या होगा गुरुजी? बाबा का वही पूजा उनका होगा और ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब आ रहे हैं काशी में आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ काल भैरव का मत्था टेक रहे हैं, तो जिनके ऊपर बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ का कृपा, उसके ऊपर क्या कोई नजर गुजर कुछ करेगा। तो बाबा की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, हम लोग उनके साथ। तो ये नजर बताने के बाद फिर आप लोग क्या आपको कुछ मंत्र, कुछ खास मंत्र जो उसका बता सकते हैं कुछ संक्षेप में, भैरवासक का कुछ मंत्र सुना सकते हैं? वारश्याम भैरव देव संसार भय नाशनम अनेक जन कितम पापम दर्शन अभिनश्यति, ये बाबा का मूल मंत्र है। इस मंत्र से बाबा का उनको तिलक किया जाएगा, उनका पूजा विधि विधान से किया जाएगा और बाबा के श्री चरणों में उनकी हाजिरी विशेष लगाई जाएगी ताकि ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न है और इसी तरह देश के कार्य में, प्रगति में आगे ये निरंतर रहे और कोई भी रोग बाधा भय छू न सकेगा ऐसा बाबा से। कुछ और भी मंत्र है जो आप देखिए बाबा का जो हम लोग विशेष कालाष्टक से पूजा कराएंगे, इसमें छोटी शॉर्ट में मैं सुना रहा हूँ। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्याल यज्ञ श्रोत्र बिंदु शेखरम दीपाकरम नारदादि योगि बिन्द वंदितम दिगंबरम काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, यही मंत्र हम लोग दिया जाएगा। फिर हम लोग मंदिर से यहाँ पे उनको एक शंख भी दिया जाएगा। ये खास बात बता रहे हैं आप, हम लोग मंदिर से एक जो है शंख जो है उनको शंख दिया जाएगा कि यहाँ से बाकी एसपीजी जो खोल करके हम लोग सोचेंगे प्रयास है हम लोग का कि मोदी जी यहाँ से शंखनाथ जो है यहाँ से करे कि अब 400 पार की जो लक्ष्य यहाँ से जो है कि मोदी जी किया जाएगा, बाकी हमारे यहाँ के कोतवाली के सुरक्षा व्यवस्था भी आप ये देखिए कि लगातार निरीक्षण हो रहा है। खुद कोतवाली पुलिस यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। खुद यहाँ पर कोतवाल राजीव कुमार सिंह है जो यहाँ पर लगातार सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, सुरक्षा भी हो सके, इसके लिए पुलिस विशेष इंतजाम कर रही है, रूट को देख रही है, रूट चेक कर जा रहा है, अंदर भी चेक किया जा रहा है। तो खास बात यह है कि यहीं से शंखनाद होगा, यानी कि नामांकन वो कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे लेकिन शंखनाद जो है उनके यहाँ से बाबा का पुष्प माला लेकर जाएंगे, नामांकन के लिए अपना नामांकन करेंगे। तो आपने सुना महंत परिवार को कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी और खास बात यह है कि यहीं से नजर उतरेगी प्रधानमंत्री की और इस अखंड दीपक में वो तेल डाला जाएगा और यहीं से प्रधानमंत्री काशी के रण से शंखनाद करेंगे। कैमरा पंकज लक्षराज, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी।
और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।